हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मैं मुकुल देव। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद, जो लोग भी जुड़ रहे हैं मुझसे लगातार। सुनील दुबे गुड मॉर्निंग, सुनील दुबे गुड मॉर्निंग, सोनम पाल गुड मॉर्निंग। हाँ हेलो, कैसी हो सोनम पाल, कैसी हो। अंकित त्रिपाठी गुड मॉर्निंग, जय हिंद भाई, जय हिंद। अंकित त्रिपाठी जी, जय हिंद है आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं लगातार। अच्छा ठीक है, सोनम पाल जी ठीक हैं, चलिए अच्छी बात है। सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सब्बा खैर। सभी लोगों को जो लोग भी जुड़ रहे हैं, अभी हीना खान साहब नहीं जुड़ पाई हैं, जो लोग भी। विक्रांत राठौर सर, ये क्या आप तो कह रहे थे कि 8 बजे से, मैंने कहा था 8 बजे से। गुड मॉर्निंग पूजा, मैंने कहा था 8 बजे से, कल से क्लास 8 बजे होगी। एकदम नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, आप वहां पे लिख दीजिए टॉप चैट 5 में, चैट्स में प्लीज लिखिए। सर टाइम चेंज नहीं किया आपने, लिख दो सोनम पाल, लिखो उस पर कि कल से 8 बजे है क्लास। पूजा प्लीज नोट डाउन उस पर आप लिख दीजिए, टॉप चैट्स में लिख दीजिए कि कल से टाइमिंग चेंज है। रिंकी रानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिख दीजिए। अशी नकवी साहब गुड मॉर्निंग, अशी नकवी साहब गुड मॉर्निंग। नकवी साहब पहली बार जुड़ रहे हैं, नकवी साहब आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, जो लोग भी जुड़ रहे हैं गुड मॉर्निंग सबको। अंजू सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंजू सिंह, पहली बार जुड़ रही हैं अंजू सिंह। क्लास टाइमिंग कल से आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, सारे लोग नोट करिए। विक्रांत राठौर अभी है नहीं, कल सब लोग नोट कर लीजिए, द टाइमिंग विल बी। अश्विन नकवी जी सर, अंजू सिंह नहीं, अच्छा पहले जुड़ी हुई हैं अंजू सिंह आप मुझसे, अंजू सिंह पहले जुड़ी हुई। सौम्या वर्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, पहली क्लास है सौम्या वर्मा। अंजू सिंह जी सर, अच्छा पहले भी आप जुड़ी हुई हैं। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं गुड मॉर्निंग। ताला साहब सौम्या वर्मा नो सर, अच्छा जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं कल की टाइमिंग प्लीज नोट कर लीजिए, कल की टाइमिंग 8 बजे है। और अब हम लोगों की जो मुलाकात होगी आपस में एक दूसरे से, जो हम लोग मिलते हैं डेली इस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग PIB एनालिसिस करते हैं। अभिषेक तिवारी राम राम है भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है आप सभी लोगों को। जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं उनको सभी को मेरा गुड मॉर्निंग है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी लोग प्लीज नोट डाउन कर लें और उस पर क्लास पे लिख दें। शिवानी सिंह गुड मॉर्निंग, हम लोग मॉर्निंग में कल से 8 बजे मिलेंगे और 8 बजे का ही सेशन हम लोग लेंगे, और कल से 8 बजे रहेगा। चलिए चलते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं हम लोग करते क्या हैं, हम लोग PIB एनालिसिस करते हैं, PIB पे जो भी खबरें आती हैं। जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं, कृष्णा मुरारी हेलो सर, हेलो भाई, जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की नीज का हम लोग एनालिसिस करते हैं, खबरों को एज इट इज पढ़ते नहीं है, आपके लिए खबर हम पढ़ते नहीं है, आपके लिए खबरों को क्या करते हैं हम लोग, करेंट और ट्रेडिशन से जोड़ के चीजों को करते हैं। विक्रांत राठौर साहब गुड मॉर्निंग है साहब, राठौड़ साहब कल से, मैंने 21 तारीख से कहा था कि 21 तारीख से हम लोग जो है मॉर्निंग में 8 बजे मिलेंगे, और ये आपको गलत थोड़ा सा हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। गरिमा सिंह गुड मॉर्निंग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो चीज़ों को आप तक पहुंचाने में जो है। कल से हम लोग 8 बजे मिलेंगे, कल से हम लोग 8 बजे मिलेंगे। तो PIB एनालिसिस है, हम लोग चलते हैं आगे आप लोगों का बिना समय वेस्ट किए हुए। प्रतिमा आदित्य गुड मॉर्निंग, प्रतिमा पहला टाइम है, प्रतिमा पहली बार जुड़ रही है, इज इट योर फर्स्ट टाइम। क्रैक UPSC CSE विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या मिलेगा आपको, डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको क्या है यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप देखें तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड कर लेंगे। मेरा नाम मुकुल देव है, मैं जो है ज्योग्राफी करंट अफेयर्स 2013 से ज्योग्राफी इकोलॉजी डिजास्टर करंट अफेयर्स ये मेरा पढ़ाने का विषय रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन पोजीशन। जतिन सिंह गुड इवनिंग सर, ठीक है जतिन सिंह, गुड इवनिंग है भाई आपको।
कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, मैं DU से मैंने लॉ कंप्लीट किया हुआ है, और जो कहीं ना कहीं पढ़ाने का विषय है वो है किस पे, वो विषय है कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक से। वाओ सर इलाहाबाद से स्टडी, हाँ अंकित सुदर्शन गुर्जर साहब आप देख सकते हैं अपने उस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको टॉप दुनिया के मतलब अच्छे एजुकेटर्स मिलेंगे, जिसमें शायद सुदर्शन गुर्जर साहब हैं, मुदित गुप्ता साहब हैं, अमन शर्मा साहब हैं, मृणाल पटेल जी हैं, रोमन सैनी हैं, दीपांशु सिंह, मतलब एक बेहतरीन टीचर्स की पूल मिलेगी जो आपको क्या करेगी। हाँ ऐप पर क्लास लेते हैं, हाँ अंकित मैं जान रहा हूं इस बात को, प्रिपेयर विथ 100 टॉप एजुकेटर्स, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये जो है देता है। कॉम्प्रेहेंसिव सिलेबस है, आप लोगों से कॉम्प्रेहेंसिव चीजें हैं, आप इस पे कर सकते हैं, जैसे कि आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मुझी से पढ़ेंगे, नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप उन ऑप्शंस को क्या है आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन पे। देखिए ये थोड़ा सा एक रूटीन वर्क है, प्लीज इसको मैं कर लेता हूं। पहली बार आया हूं सर, स्वागत नहीं करोगे? स्वागत है भाई, धन्यवाद आपका आने के लिए, स्वागत है आप सभी लोगों का, स्वागत है आप लोगों को मिलने के लिए। यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन पे आप अगर देखेंगे तो एक महीने का 8000 को 8000, 3 महीने का 20, 6 का 36 और 12 का 44,000 रुपए है, ये आपको देना होगा। आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो प्लस और आइकोनिक दो तरह के कोर्सेज हैं। प्लस कोर्सेज को अगर मैं आपके लिए बताता हूँ कि प्लस कोर्सेज हैं क्या, लाइव क्लासेस हैं, पूरी टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं, मुकुल देव मेरा जो नाम है वही मेरा कोड है, जो मेरा नाम है वही कोड है, 44,000 जो है फीस है, 39,600 है, इसको अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। याद रखिएगा आज ये लास्ट डेट है, जिसको भी एडमिशन लेना हो मेरा कोड यूज करके ले सकता है। आज के बाद ये जो 44,000 फीस है, जो 44,000 है ये फीस बढ़ने जा रही है, ये हाइक हो रहा है आज के बाद, मतलब आज के बाद का मतलब है कि रात में 20 तारीख के बाद जो है वो पूरा का पूरा चेंज होने जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें चेंज होने जा रही हैं। तो प्लीज आप इसको कर सकते हैं, 44,000 फीस है, 39,600 आपको पे करना पड़ेगा, वहीं 64,000 फीस है, 57,600 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, मुकुल देव कोड यूज अगर आप करते हैं 24 महीने का। जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं, या जो लोग भी प्लीज अभी अभी जो पहली बार कर रहे हैं, या जो अभी पहली बार जो है क्या है तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो सारा उन लोगों को क्या है कि वो 2 साल का ही कोर्स ले लें, ठीक है। इसके बाद मैं आइकॉनिक कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर्सनल कोच है, मेंटर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 64,000 रुपए फीस है, 57,600 रुपए आपको यहाँ पे देना होगा। मेरा कोड अगर आप यूज करते हैं मुकुलदेव, तो प्लीज आप ये कोड यूज करके आप इसका लाभान्वित हो सकते हैं। 99,000 फीस है, 89,100 रुपीज आपको 24 महीने का देना होगा, मुकुलदेव आप कोड यूज कर सकते हैं। चलते हैं इन सारी जानकारियों के बाद, आप लोग जो बोर हो रहे हैं, देखिए 10 मिनट का टाइम होता है, आज मैंने 8 मिनट में इसको कंप्लीट कर दिया। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, जो लोग भी हैं सब लोग जुड़ जाएं, क्योंकि देखिए क्लासेस जब स्टार्ट होगी ना तो फिर अगर हाथ से स्किप होगी तो पता नहीं चलेगा। देखिए पहली खबर जो है PIB पे वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट खबरों में जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो खबर है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे ऊपर खबर है। अब देख मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जतिन सिंह बाय सर चैट ऑफ, हाँ ठीक है, अब सब लोग सुनो, ध्यान से सुन लो, सोनम पाल ध्यान से सुनिए, अनीता कंवर गुड मॉर्निंग सर, अभी सब लोग ध्यान से सुनिए कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जो 2019 में इसको चालू किया गया, और किस लिए चालू किया गया कि जो एयर पोल्यूशन है, जो भारत में एयर पोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर आप देखें तो विश्व की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व के 15 शहरों का नाम लिया है, उसमें से 14 शहर जो है वह 14 शहर किसके हैं, भारत के ही हैं, जो सबसे ज्यादा क्या है प्रदूषित हैं। तो इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे कुछ बातें हैं मैं आपसे उस पर शेयर करना चाहता हूं। अगर ये न्यूज को मैं आपके लिए फ्लैट पढ़ देता हूं कि न्यूज है क्या, तो जरा थोड़ा सा न्यूज को समझिएगा कि न्यूज है क्या, कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब, उन्होंने कहा कि जो देश भर में वायु प्रदूषण क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण के कमी में एक तरह का समग्र दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है, एक समग्र दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। और उन्होंने ये बात कही कि वहां पर क्या है, जो
पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स हैं उसमें क्या है, कमी को देखना, देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये उनका न्यूज है। ये वहां पे उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे न्यूज इंफॉर्मेशन रिलीज की अपने मिनिस्ट्री के द्वारा। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं, मैं मॉडिफाइड कर देता हूं। मॉडिफाइड का मतलब है कि इस चीज को मैं ट्रेडिशनल से, देखिए करंट क्या है, करंट है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, करंट ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट का प्रोग्राम है, करंट ये चीजें, गुड मॉर्निंग चेतना सिंह, ये सारी चीजें क्या है, करंट है। लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा सा आपके लिए क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। पहले तो आप पोल्यूशन समझ लीजिए कि पोल्यूशन कहते किसको है, पोल्यूशन कहते किसको है। अगर आप सभी लोगों से कोई भी पूछ दे कि व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन कैसे कहते किसको है, तो याद रखिएगा कि अनवांटेड जो है, जो अनवांटेड है, जो अवेलेबल पहले नहीं थे, अवेलेबल पहले नहीं थे, याद रखिएगा। देखिए अभी तक होता क्या है कि हमको लगता बहुत आसानी से है कि हम जानते हैं पोल्यूशन। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज पोल्यूशन, आपको ये फील होता होगा कि आपको आता है। लेकिन पोल्यूशन की जब परिभाषा या आप पोल्यूशन को लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपको एग्जैक्ट लाइन कैसे लेके आनी है। तो याद रखिएगा पोल्यूशन का मतलब होता है कि, याद रखिएगा, जैसे एयर होता है, एयर क्या है, एयर गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या गैसेस हैं, इसमें इसमें गैसेस कैसी हैं, तो इसमें CO2 है, इसमें O2 है, इसमें N2 है, ये गैसेस इसमें पाई जाती हैं। लेकिन अगर इस एयर में कुछ अनवांटेड गैसेस क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं, इट इज कॉल्ड एज एन पॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड एज एन पॉल्यूशन। ये मेरी बात समझिएगा सोनम पाल जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ एनीबडी विल आस्क यू व्हाट इज पॉल्यूशन, तो पहले आपको पता है कि कंपोजिशन ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज एन एयर। जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस हैं, जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस है उसको हमने कहा एयर। लेकिन इस एयर में क्या हो, अनवांटेड कुछ चीजें शामिल हो जाएं। अब ये अनवांटेड हैं क्या, जरा देखिएगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं अनवांटेड हैं क्या, क्योंकि ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसी अनवांटेड को लेके चला हुआ है। अब ये अनवांटेड हैं क्या, जैसे मान लीजिए अनवांटेड कौन से, जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस में अनवांटेड कौन सी चीजें आ गई, जैसे अनवांटेड का मैं एक नाम लेता हूं लेड, ये अनवांटेड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अनवांटेड है, जिसको समझ में आ रहा होगा, सब लोग समझ, यस बोलते चलेंगे। SO2 अनवांटेड है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड अनवांटेड है, NOx अनवांटेड है, फ्लाई ऐश अनवांटेड है, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये अनवांटेड है। आप लोग समझ रहे हैं ये वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, आप लोग समझते हैं वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, अगर नहीं समझ रहे हैं नाम लेना यदि बात करना हो तो ठीक है जतिन बाय। वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सुनम पाल नहीं पता है, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहते हैं जो कमरे के तापमान पर क्या हो जाए, वाष्पीकृत हो जाए। आप अगर नेल पॉलिश यूज करती है, नेल पॉलिश को खोल के रख दीजिए, नेल पॉलिश क्या होगा, उड़ेगा, कमरे के तापमान पर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इट इज कॉल्ड एज एन वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे पेट्रोल क्या है, पेट्रोल को आप खोल के रख दीजिए, पेट्रोल उड़ जाएगा। इट इज कॉल्ड एज एन वोल्टेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोल्टेलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जो कमरे के तापमान पर क्या हो जाए, वाष्पीकृत हो जाए। आप अगर क्या है, आप सेंट को खोल के रख दीजिए, आप डीओ को खोल के रख दीजिए, ये क्या हो जाएंगे, कमरे के तापमान पर ही उड़ जाएंगे। ये इसी को वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे इसमें और मैं आपको अनवांटेड बता देता हूं, ग्राउंड ग्राउंड लेवल O3, ग्राउंड लेवल O3 ये अनवांटेड है। और जो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अब मेरा बात समझिएगा जरा, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, व्हाट इज पोल्यूशन, तो पोल्यूशन में क्या है, पोल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि जो अनवांटेड मटेरियल्स किसमें, एयर गैसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस में आ जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज एन पोल्यूशन। और ये अनवांटेड क्या है या ये पोल्यूटेड मटेरियल्स कौन कौन से हैं, तो उनकी एक लिस्ट मैंने आपके सामने जारी कर दी, जैसे लेड है, जैसे CFC है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NOx है, फ्लाई ऐश है, वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ग्राउंड लेवल जीरो है। उसी में एक है पर्टिकुलेट मैटर, एक है पर्टिकुलेट मैटर, इसको SPM कहा जाता है, इसको सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स कहा जाता है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। इसका मतलब जरा समझिएगा, सस्पेंडेड का मतलब होता है निलंबित, निलंबित विविध कण होते हैं, इसका मतलब होता है निलंबित विविध कण होते हैं। अब जो NCAP है, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, वो फोकस कहां कर रहा है, एयर पोल्यूशन पे फोकस कर रहा है। अब समझिएगा मेरी बात, एयर पोल्यूशन पे फोकस कर रहा है, उस एयर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा किस पे फोकस कर रहा है, तो सबसे ज्यादा उसका जो फोकस है वो पर्टिकुलेट मैटर पे है, पर्टिकुलेट मैटर पे है, पर्टिकुलेट मैटर पे है। मतलब क्या है, हवा में निलंबित कणों पे है,
अब मैं जरा आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, और क्लियर कर देता हूं कि ये सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स होते क्या हैं। ये सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर ये होते क्या है, इसको कहा गया एसपीएम, इसको कहा गया एसपीएम। अब ये क्या है, ये अनवांटेड हैं, ये पहले वायु में नहीं पाए जाते थे, ये कहां पाए जाने लगे, क्यों पाए जाने लगे? तो चूंकि इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन प्रोसेस बहुत बढ़ गया था, व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं, इन सारों के कारण क्या हो रहा है, इन सारी चीजों के कारण एसपीएम की मात्रा कहां पे एयर में ज्यादा हो रही है, और इससे एयर का जो कंपोजिशन है, वो क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। पहले कंपोजिशन ऑफ गैसेस में आप जाएंगे तो क्या था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.0003 है, लेकिन अभी क्या है, अभी भी उतना है क्या? नहीं, अब तो और खराब हो गया। तो यहां पे सिर्फ सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, उसमें जो एयर का कंपोजिशन है, मतलब एसपीएम जो है एयर कंपोजिशन में क्या हो गए, ज्यादा होते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एयर कंपोजिशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये चेंज कैसा हो रहा है, माइनस में हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज एन एयर पोल्यूशन। अब मैं आपको सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के बारे में एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर कहते किसको हैं। तो ये ऐसे पार्टिकल को कहते हैं या ऐसे कण को कहते हैं, जिन लोग नहीं जानते प्लीज याद रखिएगा, हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग जो पीआईबी पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ रहे हैं पीआईबी, हम मेरे मुझसे, हाँ पराली जल रही है उससे निकलेगा, तो जो लोग भी मुझसे पढ़ रहे हैं इनसे एक बात बड़ा क्लियर याद रखिएगा कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, हमको पढ़ना है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में प्रकाश जावड़ेकर साहब ने क्या कहा कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं उनकी क्या हो रही है, उनकी कमी देखने को मिल रही है। तो खाली क्या इस न्यूज से हमारा काम बन जाएगा क्या? नहीं, हमको तो क्लियर होना चाहिए पोल्यूशन क्या है, हमको क्लियर होना चाहिए एयर पोल्यूशन में अनवांटेड कैसे है, और उसमें हमको क्लियर होना चाहिए कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है। अब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर उसको बोलते हैं, ऐसे कण को बोलते हैं, ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं जो 0.001 माइक्रोन से, आप समझिएगा कि कितना बारीक है, 0.001 माइक्रोन से लेके ये 10 माइक्रोन के बीच में हो, मतलब इसका जो आकार है, आकार या जो इसकी साइज है, वो साइज किसमें, इसी के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके बीच में है तो इट इज कॉल्ड एज एन, इसी को कहा जाता है एसपीएम, इसी को कहा जाता है हवा में निलंबित विविध कण, हवा में निलंबित, इसका हिंदी में जो नाम है वो हवा में निलंबित, निलंबित क्यों कहा गया, क्योंकि ये हवा में क्या होता है, न जमीन पे होता है न आकाश में बहुत दूर होता है। हेलो फातिमा, हेलो सर, हवा में न जमीन पे बैठेगा न ऊपर जाएगा, हवा में बीच में रहता है, हवा में निलंबित कण, और कितने बीच में रहता है, तो तकरीबन 4 से 6 फीट के बीच में ही वो करता है। और हम लोगों की हाइट अगर देखा जाए इंडियंस की, तो 5 से लेके तकरीबन 6.5-7.5 के आसपास हम लोगों की हाइट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े इजीली इसको क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं, मतलब जब सांस लेंगे तो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स हमारे किसमें, हमारे अंदर शामिल होता है। अब जो ये एसपीएम है, ये एसपीएम डिवाइड होता है दो भागों में, एक होता है डिवाइड जो होता है उसको कहते हैं पीएम 2.5, और एक होता है पीएम 10 होता है। ये दो दोनों हैं, ये दोनों खराब हैं, मतलब दोनों क्या है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब है कि हम सांस ले रहे हैं, तो जब भी सांस ले रहे हैं, ये सर दिल्ली में लेयर बना के देखा है मैंने, हाँ एकदम है। अब उसी चीज को मैं देखे बता रहा हूं कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ये हमारे कहां पहुंच जाता है, ये हमारे बॉडी के सेल्स में पहुंच जाता है, और बॉडी के सेल्स में पहुंच के उस बॉडी के सेल्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, और जिससे हमारा हेल्थ क्या होता है, पूरा हेल्थ डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, इसमें मैंने आपको पूरी बात बता दी। इसी खतरनाक चीज को टैकल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम आया, NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आया है, ये मैंने आपको क्या है, मैंने आपके लिए ये चीजें आपको मैंने बता दी। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को, ये बात समझ में आई, अगर आ रही है तो प्लीज यस लिख दें। शाश्वत सिंह सर नमस्ते, अगर बात समझ में आई एयर पोल्यूशन पे, ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज आप यस लिखिएगा। अब जरा थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर देखिए, अगर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो यहां पे क्या कह रहा है, एनसीएपी जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो अचीव क्या करना चाहता है। मैंने आपको क्लियर किया पीएम क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो चाहता क्या है। तो वो ये कह रहा है कि 20-30% की जो है रिडक्शन हो, किसमें रिडक्शन हो, पीएम 10 और पीएम 2.5 में, मतलब ये क्या है, ये दोनों पर्टिकुलेट मैटर्स हैं,
और ये दोनों किसको करते हैं, बॉडी या ह्यूमन हेल्थ को क्या करते हैं, खराब करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को खराब करने वाले हैं। तो एनसीएपी क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम इसको क्या करें, हम पीएम 10 और पीएम 2.5 को का जो हवा में सांद्रता है, जो हवा में इसका लेवल है, जो एयर में इसका लेवल है, उस लेवल को कम करना चाहते हैं। और कब तक कम करना चाहते हैं, तो 2024 तक हम क्या कर चाहते हैं, 2024 तक कम करना चाहते हैं, 2024 तक हम इसको कम करना चाहते हैं। अच्छा अरुण कुमार यादव थोड़ा स्लो चलिए सर जी, असल में अरुण बहुत टॉपिक है तो थोड़ा सा अगर स्लो चलूंगा तो टाइम भी लगता है। अच्छा द गॉड ऑफ हेल्थ चिकली, ठीक है सर, चलिए अरुण थोड़ा सा स्लो चलता हूं। ये बात समझ में आई अरुण, इतना समझ में आया कि एनसीएपी क्यों है, एनसीएपी क्यों है, एनसीएपी में 20-30% जो है वो रिडक्शन करना है पीएम 10 और पीएम 2.5 में। मैंने पीएम क्लियर किया कि पीएम होता क्या है, अब उसको 2024 तक क्या करना है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि उसको कम करना है हवा में। क्यों हवा में कम करना है, क्योंकि इट इज एन एयर पोल्यूशन और इट डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव के स्वास्थ्य में इसका डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है कि आपकी जो श्वास नली है, वो श्वास नली क्या है, इन पर्टिकुलेट मैटर से भर जाती है और जिससे श्वास लेने में कमी आती है, और जब ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब प्रियंका लंग्स तब खराब होगा जब O2 वहां पे नहीं कैरी ऑन हो रहा है, O2 कैरी नहीं होगा तो लंग्स को फंक्शनिंग तेज बढ़ानी पड़ेगी, इससे लंग्स का फंक्शनिंग खराब होगा। और O2 अगर नहीं पहुंच रहा है बॉडी में तो क्या होगा, जो रक्त है वो, जो आपका ब्लड है वो खराब होने लगेगा। टोटल क्या है, टोटल ह्यूमन बॉडी फेल्योर सिस्टम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा लक्ष्य है भारत सरकार का और ये इसीलिए न्यूज में है। अब मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, प्लीज आप इसे समझिएगा। 2019 में शुरू होता है, 2019 में शुरू होता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। एक कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम है, सबसे बड़ी बात है कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया है। ये ऐसा नहीं है कि छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें टारगेट्स डिसाइड हैं कि हमको क्या करना है, हमको कम करना है 2024 तक, हमको क्या करना है, कम करना है। किन चीजों को कम करना है, सबसे बड़ी बात कि इनको हमको 2024 तक क्या करना है, हमको कम करना है। किस चीज को कम करना है, तो पर्टिकुलेट मैटर्स की मात्रा किसमें, कंपोजिशन ऑफ एयर में, एयर में इसको हमको क्या करनी है, कमी करनी है। अगर आप इसको देखें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, अगर आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा हो तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार क्या कर रही है, मॉनिटरिंग स्टेशंस भारत सरकार को बनाना है, डाटा एनालिसिस जो एयर में कंपोजिशंस है उसका डाटा एनालिसिस सेंटर भारत सरकार बना रही है। थर्ड क्या कर रही है, वो क्या कर रही है वहां पे पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि पब्लिक जो है वहां पे इन्वॉल्व होती है सोनमपाल एयर पोल्यूशन, हाँ, तो इसमें क्या है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार चाहती है। सिटी स्पेसिफिक, जो सिटी सर्वाधिक क्या है, खराब है, जिन सिटीज में सर्वाधिक प्रॉब्लम्स हैं उन सिटीज को स्पेसिफाई करना है, उन सिटीज को स्पेसिफाई करके उन सिटीज पे काम करना है, तो ये है। और इंडोर एयर पोल्यूशन पे भी कंट्रोल करने की बात यहाँ पे की गई है, तो ये है। अब जरा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि क्या क्या मामला है, क्यों लाया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा कि इसमें अगले 5 वर्षों में 102 प्रदूषित शहरों को वायु को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है। जो टारगेट है वो टारगेट किसके लिए है, टारगेट जो अब तक के 102 शहर इसमें चिन्हित किए गए हैं। अब जो 102 शहर चिन्हित किए गए हैं, उन चिन्हित शहरों का मतलब 102 शहर हैं जिनको क्या करना है, सही करना है। अब ये जो 102 शहर हैं, ये 102 शहर हैं, जरा मैं इनके बारे में आपको कुछ बता देता हूं कि इन शहरों का चयन कैसे किया जाएगा, कैसे मालूम किया जाएगा कि भारत में इन शहरों को लिया गया है। सर इसमें भी रैंकिंग होती है क्या, इसमें रैंकिंग नहीं होती है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया गया, 102 शहरों को लिया गया है और उन शहरों को क्रमबद्ध तरीके से क्या है, साफ किया जाएगा। अब इस साफ करने का जो शहरों के चयन का आधार है, मतलब जो सिटीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस सिटीज को सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो आपके लिए एक प्रोग्राम चला था, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, उसको कहा जाता है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। इस राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने 2011 से लेकर 2015 तक का डाटा इकट्ठा किया और इस डाटा के आधार पर, मतलब शहरों का चयन कैसे होगा, तो शहरों का चयन 2011 से 2015 का एक डाटा है। और ये जो डाटा है ये किसने इकट्ठा किया है, तो ये जो डाटा है वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग
मॉनिटरी प्रोग्राम का है। ये जो डाटा है वो डाटा किसने लाया, तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम ने लेके आया है। इस एम्बिएंट एयर क्वालिटी प्रोग्राम 2011 से 15 का डाटा, उस डाटा के आधार पे क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने उन शहरों को चुना, हमने नहीं, किसने चुना है, एनसीएपी ने चुना है, और एनसीएपी के गाइडलाइन एनसीएपी ने चुना। एनसीएपी को गाइडलाइन कौन दे रहा है, तो एनसीएपी को गाइडलाइन जो है सीपीसीबी दे रही है, केंद्रीय प्रदूषण सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे रही है। ये सीपीसीबी क्या कर रही है, उसका चयन कर रही है, और यहां पे सीपीसीबी क्या कर रही है, इस चीजों का चयन कर रही है। यहां पर 102 शहरों को उसने चयनित किया है। तो मैंने आपको बताया कि शहरों का चयन का आधार क्या होगा, शहरों के चयन का आधार मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि शहरों का जो चयन होगा वो उसका सर्वाधिक जो एरिया है वो किस पे है, कि हम चयन कैसे करेंगे, तो उसका चयन सीपीसीबी करेगा, और ये सीपीसीबी उसका चयन करके चीजों को क्या करेगा, रखेगा। इसमें अगर आप देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को देखते हैं तो सोनमपाल सीपीसीबी क्या है, भारत सरकार के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, और सीपीसीबी ही एयर पोल्यूशन, अगर कोई भी संस्था एयर पोल्यूशन पे काम करती है या एयर पोल्यूशन को मापने वाली जो संस्था है, दैट इज नेम एज एन सीपीसीबी। एयर पोल्यूशन जो संस्था है उसी को सीपीसीबी कहा जाता है, मतलब यही संस्था वो करती है। मैं बता दे रहा हूं, सभी लोग समझ लीजिएगा मेरी बात, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, पहली बात। ये देश में पोल्यूटेंट्स के मानक जारी करता है, सबसे सर्वाधिक बात है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हां शक्ति वारी, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, देश में पोल्यूटेंट्स का मानक जारी करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुद्दों पर सलाह देता है। ये जैसे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताएगा कि देखिए आपके ये शहर हैं जो सर्वाधिक प्रदूषित हैं, अतः यहाँ पर काम करने की जरूरत है। तो ये काम किसका है, सीपीसीबी का है। सीपीसीबी का और बहुत बड़ा बड़ा काम है, जैसे प्रदूषकों के प्रति जागरूकता करना, मतलब जितने जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं, मैंने जो पॉल्यूटेंट्स बताए, एनओएक्स को मैंने बताया, मैंने ओजोन 3 को बताया, मैंने आपको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में बताया, मैंने आपको पर्टिकुलेट मैटर्स के बारे में बताया, मैंने एरोसॉल्स के बारे में, ये सब जानकारी मुझे कहां से मिली सोनमपाल जी, ये सब जानकारी सीपीसीबी की साइट पे दी हुई है। सीपीसीबी ने कहा कि अभी वर्तमान में 21वीं सदी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो एयर पोल्यूशन में एरोसॉल्स की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है, पर्टिकुलेट मैटर्स की सबसे ज्यादा समस्या बढ़ने वाली है, लेड की समस्या बढ़ने वाली है, ग्राउंड लेवल ओजोन की बढ़ने वाली है। ये सब बात कौन कर रहा है, ये सब बातें सीपीसीबी करता है। सेंट्रल बिहेव लाइक अटॉर्नी जनरल, कौन, मैं प्रियंका, मैं अटॉर्नी जनरल की तरह बिहेव लाइक अटॉर्नी जनरल। तो ये है, ये सीपीसीबी है। सोनमपाल, आर यू क्लियर अबाउट सीपीसीबी? सीपीसीबी क्लियर हुआ? पूजा, नो सर। पूजा, सीपीसीबी एक लाइन समझ लीजिए, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करता है, पहली बात। या देश में पॉल्यूटेंट्स के मानक जारी करता है, पॉल्यूटेंट्स के मानक जारी करता है, यही करता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुद्दों पर यह सलाह चाहता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुद्दों पर यह सलाह देता है। सीपीसीबी का कार्य यही है, तीन कार्य मैंने आपको बता दिए, इतना ही चाहिए सीपीसीबी के लिए, इतनी जानकारी बहुत है। अब मैंने शहरों का चयन मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें हैं। यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो पीएम 10 और पीएम 2.5 पे मैंने बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर भारत सरकार को देखिए तो वो क्या कह रही है, वो ये चाहती है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, सीपीसी मतलब जो पीएम 10 है या पीएम 2.5 है, पीएम 10 या 2.5 या 10 है, उसके बाद अगर मैं देखूं तो जितना है, जितने भी पोल्यूटेंट्स का नाम लिया हूं, तो उनका कहना है कि आप प्रिवेंशन करिए, आप चीजों में करिए, प्लांटिंग ट्रीज करिए, व्हीकल्स को आप कम करिए, लेस पोल्यूशन फ्यूल्स यूज करिए, मास ट्रांसपोर्ट यूज करिए, इन सारी चीजों पे वो चाहता है कि क्या है, इन सारी चीजों पे भारत सरकार चाह रही है कि चीजों को वो काम करे। तो ये चीजें हैं, ये पूरा का पूरा मुद्दा है। देखिए मुद्दा सिर्फ पढ़ाना क्या था, वहां पे सिर्फ एक बात की गई थी, वहां पे जो आपके प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, जो आपके मंत्री साहब हैं, उन्होंने खाली ये बताया था कि वहां पर कुछ चीजें, मतलब जो ये है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, उस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे ये बातें हुई हैं। उस बातों को मैं थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पर रख देना चाहता हूँ कि वहां पे क्या क्या बातें हुई हैं, जरा थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अब क्लियर हो गया होगा। जो मिनिस्ट्री की की फाइंडिंग्स हैं जरा ध्यान रखिए।
मिनिस्ट्री की जो की फाइंडिंग्स हैं वो मिनिस्ट्री क्या कह रही है, वो मिनिस्ट्री ये कह रही है कि 2016 में 106 के मुकाबले 2020 में बढ़कर 218 हो गई। मतलब जो अच्छी गुणवत्ता की वायु के दिनों की संख्या थी, मतलब क्या है, 2016 में आपकी स्थिति बहुत खराब थी। ये की फाइंडिंग्स हैं, ये की फाइंडिंग्स हैं। मतलब की फाइंडिंग्स का मतलब होता है कि ये चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ सुधार हो रहा है। 2016 में 106 दिन ही अच्छे दिन हुआ करते थे, लेकिन 2018 या 2020 तक ये क्या है, खराब गुणवत्ता वाले वायु दिनों की संख्या। मतलब आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखना चाहें तो 2020 में ये संख्या बढ़ गई और 218 दिन अब क्या है, हेल्दी डेज हैं, हेल्दी डेज हैं, ये हेल्दी डेज हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर ये सरकार ये कह रही है कि मतलब आपका जो सरकार का कार्यक्रम है वो सरकार का कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, और सरकार के कार्यक्रम में जो अच्छा चल रहा है उसमें अच्छा में मदद किसने किया, तो सर्वाधिक जो मदद है वो BS6 ने किया है, सर्वाधिक मदद BS6 ने किया, BASAL 6 ने किया है। इस पे मैंने क्लास ले रखी है, जिनको नहीं समझ में आया प्लीज उस क्लास को रेफर करिए। BS6 पे वहां पे कर रखा है, BS6 में जो हम लोगों ने BASAL 6 अपनाया उससे उसने क्या किया, उसने एयर पोल्यूशन में बहुत सारी कमियां लेके आया है। ये पूरा का पूरा मुद्दा मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या, इसमें जरा समझ लीजिएगा हम लोगों ने पढ़ा क्या। अगर हम लोगों ने पढ़ने पे ध्यान दें तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पोल्यूशन किसको कहते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा पोल्यूशन किसको कहते हैं, पोल्यूशन की जो एरियाज हैं, मतलब अभी जो न्यू एरियाज हैं, न्यू एरियाज मतलब जिनके कारण पोल्यूशन हो रहा है ज्यादातर, तो उन पोल्यूशन की एरियाज को हम लोगों ने डिवाइड किया, ये पूरा का डिवाइड किया। और इसको सॉल्व करने के लिए, इन सारे जो टैकल्स प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हम लोगों ने पढ़ा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है। फिर हम लोगों ने ये जाना कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को CPCB कैसे मॉनिटर करता है और इसमें कैसे शहरों को चुना जाता है, जो शहर हैं जैसे 102 शहर हैं तो इन शहरों को किन आधारों पे चुना जाता है। तो इन आधारों में सबसे बड़ा जो आधार है वो हमने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा कि नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के आधार पर हम क्या करते हैं, 102 शहरों का चयन करते हैं। तो पोल्यूशन पहले पढ़ा, पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन कहते किसको है, उसमें एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन के बाद NCAP देखा, CPCB देखा, और CPCB के बाद हम लोगों ने ये चीजें की हैं। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, किस पे कंप्लीट हुआ, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे हम लोगों ने ये आज का किया है। हम लोग सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत सरकार ने कल एक नया वो निकाला जिसको कहा कि आयुष्मान सहकार। अब जरा मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि देखिए फिर मैं बताऊंगा, और चीजें अगर होता क्या है कि अगर आप कंसंट्रेशन जोन में नहीं बैठे रहते हैं तो बहुत तेजी से चीजें निकल जाती हैं। आयुष्मान सहकार की योजना है, भारत सरकार ने कल ये योजना शुरू कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इस आयुष्मान भारत सरकार में जो हमारे माननीय मंत्री साहब हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक योजना का उद्घाटन किया, एक योजना को संज्ञान में लाया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे कल ये योजना इन्होंने बोली कि हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं, और इस योजना का नाम है आयुष्मान सहकार योजना। अब इस आयुष्मान सहकार योजना का ये जो है एक नई योजना शुरू हो रही है। अब सबसे बड़ा जो सवाल बनता है, सभी जो मेरे से जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल बनता है कि फिर एक नई योजना, आखिर इतनी क्या इन योजनाओं से काम नहीं चल रहा था, आखिर ये नई योजना क्यों आ रही है। तो पहले हम लोग इस आयुष्मान जो सहकार योजना को पढ़ने के पहले अगर हम लोग ये समझ लें, आयुष्मान मैं नाम लिख देता हूं कि एक नई योजना कल आपके माननीय जो मंत्री साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो हैं नरेंद्र तोमर साहब हैं, उन्होंने इस योजना के बारे में कल जानकारी रखी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे। इस योजना को पढ़ने के पहले, अगर हम आयुष्मान सहकार योजना को पढ़ने के पहले अगर हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि why we need it का मतलब है कि इस योजना की आवश्यकता हमको क्यों है, योजना की आवश्यकता क्यों है, तो हम इस योजना का पूरी की पूरी क्या है प्रासंगिकता ही समझ लेंगे कि ये योजना क्या है और इसकी प्रासंगिकता ही समझ लेंगे कि भारत सरकार को इसीलिए जरूरत है। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, आयुष्मान भारत से अलग है, हाँ अलग है, आयुष्मान भारत से अलग है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से निकला हुआ है। मेरी बात बस थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कंसंट्रेट होकर बस सुन लीजिएगा, पूरी योजना अभी रटा दूंगा, खाली एक बात बस समझ लीजिए, याद है किसी भी आदमी को जज करना है तो सबसे पहले आप उसकी नीड को जज कर लीजिए, आप उस आदमी को बहुत अच्छे से जज करना शुरू कर देंगे। नीड
यहाँ पे अरुण कुमार यादव जी बस इतना ध्यान रख लीजिए कि आयुष्मान सहकार योजना क्या जरूरत है, आयुष्मान सहकार योजना की, तो इस आयुष्मान सहकार योजना की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, तो मैं आपकी आवश्यकता पे मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ। आप देखिएगा कि आपके यहाँ पे क्या है, जो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी देखिए मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ मेडिकल फैसिलिटी, तो सब लोग समझते होंगे ना कि मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या है, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं, जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अब जरा मैं स्वास्थ्य सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका वितरण कैसा है। अगर मान लीजिए मैं स्वास्थ्य सेवाओं का एक दिल्ली केंद्र लेता हूं, दिल्ली कैपिटल है, हमारी कैपिटल है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, लखनऊ क्या है, यूपी की कैपिटल है। और इस लखनऊ के बाद मैं एक कोई डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूं, डिस्ट्रिक्ट यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूं, जैसे इलाहाबाद ले लेता हूं। ये खाली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको समझ में आएगा। एक सेकंड बस थोड़ा पानी पी लूं। अभिषेक तिवारी बलिया ले लें सर, बड़ा मामला हो रहा है अभिषेक तिवारी बलिया में। ठीक है, अभिषेक तिवारी कह रहे हैं किसी की नींद, नहीं, यहां नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न नहीं है प्रियंका जी, कि हम उसकी नीड का मतलब, अगर हम किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता हम समझ सकते हो उसकी, तो ये तो मानवता का चरम बिंदु है ना, कि आपके पास कोई आ रहा है और अगर आप उसकी आवश्यकता को समझ लें। देखिए प्रियंका जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, सभी लोग जो भी हैं उन्होंने कहा कि किसी की नीड पता होने के बाद सर हम उसका फायदा उठा सकते हैं, नहीं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसका फायदा उठाते हैं, कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अरुण कुमार यादव पटना, हाँ कोई भी ले लीजिए, मैं आपको खाली एक डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहता हूं। जैसे दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, लखनऊ कैपिटल ऑफ यूपी, और उसमें इलाहाबाद या मैं बलिया ले लेता हूं। अब क्या है, अगर हेल्थ फैसिलिटीज को मैं देखूं, ये मेडिकल फैसिलिटीज को, तो अगर इसका अच्छा केंद्र देखूं, तो यहां पे मतलब अगर दिल्ली में देखूंगा तो तकरीबन अगर मैं इसको पॉइंट्स में बांटता हूं, मान ली 100 पॉइंट्स हैं, तो यहां पे 60 पॉइंट या 70 पॉइंट्स में देता हूं, कि 70 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स दिल्ली में अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो 80 नंबर दे दिए। लखनऊ में जाता हूं तो इसको 60 दे देता हूं। वहीं अगर इस डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं तो मैं इसको 40 या 50 दे देता हूं। लेकिन अगर इस डिस्ट्रिक्ट से मैं तहसील के लेवल पे जाता हूं, और इस डिस्ट्रिक्ट से तहसील से ब्लॉक के लेवल पे जाता हूं, या विलेज के लेवल पे जाता हूं, तो यहां पर मुझको क्या है, यहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो 50 क्या है, यहां पे 15 भी नहीं रहती हैं। मतलब हेल्थ फैसिलिटीज यहां पे क्या है, जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे, डाउनवर्ड का मतलब है आप जैसे जैसे गांव की तरफ बढ़ेंगे। प्रियंका अरुण मैंने बताया है, अब जरा मेरी थोड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, इस सब बातों में मत फंसिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। इन चीजों को अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गई है, तो आप लोगों को बता सकते हैं कि आयुष्मान सरकार योजना भारत सरकार क्यों लेके आई है। आप समझिएगा, जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, अगर आप कहीं दिल्ली में देखें तो वो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छी हैं। लखनऊ में देखेंगे तो उससे थोड़ा सा कम है। वहीं अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे जाएंगे तो वहां पे थोड़ा और कम आएगी, लेकिन तहसील ब्लॉक और विलेज के लेवल पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, बहुत अच्छा नहीं मिलेगी। हिमांशु कुमार, हम बलिया से हैं, अरे हिमांशु जी बागी बलिया को मेरा नमस्कार है। अब मेरी बात तो सुन लीजिए कम से कम, यहाँ पर ये जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं तहसील ब्लॉक और विलेज के लेवल पे बहुत प्रॉब्लम है। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि रूरल इंडिया, जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाएंगे, मतलब क्या है, आप अर्बन इंडिया से जैसे जैसे आप रूरल इंडिया की तरफ मूव करेंगे, ग्रामीण भारत की तरफ आपके जो बढ़ते हुए कदम हैं, ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए। अब देखिए आयुष्मान सहकार योजना की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तहसील ब्लॉक और विलेज के लेवल पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं है, तो इन स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने के लिए ग्रामीण भारत में, अब मैं आपको समझा रहा हूं, जरा बात समझिएगा, कि ग्रामीण भारत में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उसको अच्छा या उसकी कमी को दूर करने के लिए ये जो योजना है, उस योजना का नाम है आयुष्मान सहकार योजना। और अब तक जो था, अब तक प्रॉब्लम ये थी,
अब तक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेडिकल फैसिलिटीज जो थी वो विलेज के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, तहसील के लेवल पे अच्छी नहीं थी। भारत सरकार ने पहली बार ये काम किया कि आयुष्मान सहकार एक योजना बनाई है, और इस आयुष्मान सहकार योजना में एक बड़ा फंड बनाया है, और इस फंड के तहत वो सीधे टारगेट करना चाहती है, किस पे, वो विलेज को टारगेट करना चाहती है, और इस विलेज पे टारगेट करना चाहती है इसीलिए भारत सरकार, क्योंकि ग्रामीण भारत में फैसिलिटीज अच्छी नहीं है और फैसिलिटीज को प्रूव करना है, अच्छा करना है, इसलिए भारत सरकार ने आयुष्मान सहकार योजना लाई। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आप एक चीज और समझिएगा कि जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट हर चीज आज की डेट में गवर्नमेंट हर चीज कैसे कर रही है, तो प्राइवेट पार्टनरशिप पे करती है, प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आती है। मतलब क्या है, मतलब प्राइवेट जो वो है, निजी जो क्षेत्र हैं, वो उनके ऊपर भारत सरकार का थोड़ा सा क्या है, बहुत ज्यादा बल है। लेकिन क्या हुआ कि जो रूरल इंडिया है, जो ग्रामीण भारत है, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो निवेश नहीं कर रहा है। किसमें निवेश नहीं कर रहा है? हेल्थ फैसिलिटीज में निवेश नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में, तो आपको बहुत सारे जो है प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल मिल जाएंगे, आपको लखनऊ में बहुत मिल जाएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाएंगे, लेकिन गांव में नहीं जाता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, यस मैम। कैसे काम करेगा सर ये योजना? मेरी बात तो सुन लो अरुण कुमार, पहले समझो आवश्यकता क्यों है। प्राइवेट पार्टनर, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जैसे अंबानी हैं, अडानी हैं, या जितने भी बड़े लोग हैं, वो रूरल इंडिया में प्राइवेट सेक्टर जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज में कोई निवेश नहीं करता है, इस निवेश को न करने के कारण लगातार जो वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो खराब होती जा रही हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने आयुष्मान सहकार योजना लाई। तो दूसरा जो टॉपिक है वो ये है, लॉन्च तो कर दिया पर टारगेट कंप्लीट हो तो अच्छा है। सुनम पाल जी, जब आप आईएएस बन के जाइएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों में बहुत अच्छा करेंगी, ठीक है, आप अच्छे से करिएगा। अब जरा थर्ड हम लोग देखते हैं, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। थर्ड, अगर आप थर्ड देखें तो आपको पता है कि आप कोरोना संकट आया था, और कोरोना संकट में भारत सरकार ने क्या कर दिया था, लॉकडाउन कर दिया था। आपको कभी आपने सोचा कि भारत सरकार ने ये लॉकडाउन क्यों किया? सचिन नरेन कहां चले गए थे यार, आज बहुत लेट हो गए भाई। कोरोना जो संकट है उसमें लॉकडाउन आ गया था। सुनम पॉल, हिमांशु कुमार, पूजा, आप लोग सुन रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा सॉरी सर, आज मैं किसी काम से बाहर चला गया था। कोई बात नहीं सचिन, ये क्लास प्लीज ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण कुमार, आप जरा देखिए कि कोरोना जो संकट है उसमें लॉकडाउन आ गया था, कभी आपने सोचा कि ये लॉकडाउन क्यों लगाया गया था? तो आप एक चीज समझिएगा, ये लॉकडाउन ऐसा नहीं था कि अभी तो लॉकडाउन खोल दिया गया और कोरोना बहुत ज्यादा है, मतलब उसका संकेंद्रण या उसका सांद्रण लेवल बहुत ज्यादा है। भारत सरकार ने जो लॉकडाउन किया था वो क्यों किया था, उसका जो सबसे बड़ा जो सिस्टम बात है वो ये है कि जो मेडिकल सिस्टम है वो रूरल इंडिया तक नहीं था, मतलब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे तक तो था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से विलेज के लेवल पे एकदम जीरो है। विलेज के लेवल पे ये जीरो था, ये पूरा का पूरा मामला जीरो था। और भारत सरकार चाहती थी कि इस लॉकडाउन में वो क्या कर ले, प्रिपेयर कर ले अपने आप को, ताकि क्या करे, वो डिस्ट्रिक्ट से विलेज के लेवल तक जो है वो कोरोना हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर ले, वो प्रोवाइड कर पाए। इसीलिए उसने क्या कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। तो कोरोना संकट में जो चिकित्सा का क्षेत्र है, कोरोना संकट में जो चिकित्सा तंत्र को मजबूत नहीं था, अतः सरकार चिकित्सा तंत्र को क्या करना चाहती है, तो सरकार चाहती है कि जो चिकित्सा का तंत्र है उसको क्या हो, चिकित्सा का जो पूरा सिस्टम है उसको भारत सरकार क्या चाहती है, मजबूत करना चाहती है। इसलिए भारत सरकार ने क्या लाया, आयुष्मान सहकार योजना लाई। मैंने तीन पॉइंट आपको बताया, ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि मेडिकल फैसिलिटीज ग्रामीण भारत तक नहीं है इसलिए भारत सरकार ला रही है, दूसरा है कि प्राइवेट पार्टनरशिप्स या प्राइवेट फंडिंग्स नहीं मिल रही है इसलिए ला रही है, तीसरा है कि अगर आज कोरोना संकट आया तो पूरा देश हिल गया, आने वाले समय में इस तरह के संकट बहुत आ सकते हैं, इसलिए भारत सरकार चाहती है कि अपने आप को प्रिपेयर करे, और वो प्रिपेयर किस पे करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करे। कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेडिकल हेल्थ, मतलब रूरल मेडिकल फैसिलिटीज पे करे। याद रखिएगा,
रूरल मेडिकल फैसिलिटीज पे वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती है डेवलप करना, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उसने कौन सी योजना लॉन्च की है, आयुष्मान सहकार योजना। अब मैंने आपको ये तीन पॉइंट्स पे बताया कि ये क्या है। अब जरा समझिएगा कि इस आयुष्मान में इसमें मतलब आयुष्मान जो सहकार योजना है इस पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये आयुष्मान योजना में अब क्या है। यहां पर भारत सरकार चाहती है कि वो ऐसा हेल्प मतलब किसके माध्यम से करना चाहती है, वो यहां पे सबसे बड़ा जो हेल्प करना चाहती है वो सहकारी समितियों के माध्यम से कर रही है, सहकारी समितियां। अब सहकारी समितियां क्या होती हैं, कॉपरेटिव सोसाइटीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं अभी क्लियर भी कर देता हूं कि कॉपरेटिव सोसाइटी कहते किसको है, लेकिन अभी समझिए बात को कि कॉपरेटिव सोसाइटीज को भारत सरकार आयुष्मान सहकार योजना के तहत क्या चाह रही है कि वो कॉपरेटिव सोसाइटीज को क्या करे, फंडिंग करे मतलब पैसा दे, और ये कॉपरेटिव सोसाइटीज क्या करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को गांव तक लेके आए। आप मेरी बात समझिएगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कहां तक लेके आए, विलेज तक लेके आए। तो वो कि आयुष्मान सहकार योजना में सहकारी समितियों पर ये मामला लाया गया कि सहकारी समितियां करें। आखिर क्यों सहकारी समितियों को इतनी बड़ी भागीदारी दी जा रही है, आखिर ये काम क्यों किया जा रहा है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। सोनमपाल सत्यपाल सिंह एकदम गुड मॉर्निंग है भाई, बड़ी मेरी बात ध्यान से सुनना कि आयुष्मान सहकार योजना में सहकारी समितियों को अब क्या कर रहा है, मुख्य भागीदार बनाया जा रहा है। ऐसा भागीदार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्यों बनाया जा रहा है, अब तक क्यों नहीं बनाया गया। सहकारी समितियों की जो अब तक की भूमिका है, जो अब तक की उनकी भूमिका है मतलब जो अब तक का उनका कार्य है कहां पे, गांवों में, वो बहुत सराहनीय रहा है, बहुत सराहनीय रहा है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र को देख लें, आप अगर मिल्क प्रोडक्शन को देख लें तो सहकारी समितियां क्या हैं, एकदम टॉप पे जा रही हैं। अमूल को ले लीजिए, चाहे जिसको ले लीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पूरे भारत में ये बहुत बड़ा कायाकल्प किया। मिल्क प्रोडक्शन को ले लीजिए, चाहे बी प्रोडक्शन को ले लीजिए, बी प्रोडक्शन का मतलब हनी बी, मतलब आप शहद के प्रोडक्शन को ले लीजिए, चाहे आप अवेयरनेस के प्रोग्राम उसको ले लीजिए, जो अवेयरनेस का प्रोग्राम सबसे ज्यादा वो करते हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। आप एजुकेशन जो सिस्टम्स हैं वो सहकारी समितियां बहुत सारे एजुकेशन उसको देते हैं, एजुकेशन सिस्टम्स को देते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब तक जो उनकी समाज में भूमिका थी वो बहुत अच्छी थी, चाहे मिल्क प्रोडक्शन को लेके हो, चाहे बी प्रोडक्शन को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे अवेयरनेस को लेके हो, चाहे बैंकिंग फैसिलिटीज को लेके हो, चाहे एग्रीकल्चर की बहुत सारी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो एग्रीकल्चर पे काम करती हैं। तो उनकी अब तक की इन सारी भूमिकाओं को देखते हुए पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसने कहा कि कोऑपरेटिव जितनी सोसाइटीज हैं, जो सोसाइटीज हैं, एक अनुमान भारत सरकार ने लगाया है कि तकरीबन 16 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में वर्क करती हैं इंडिया में। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बता रहा हूं अरुण कुमार साहब, एक बस अभी समझ लीजिएगा, एकदम अभी जो बता रहा हूं उसको समझ लीजिए। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बता देता हूं, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अनुमान लगाई कि 16 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं भारत में, और इन 16 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से क्या किया जाए, पूरे इंडिया में क्या किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए। किसका, मेडिकल सिस्टम का। अब मैंने आपको बता दिया आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडिंग होगी, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्यों लाया गया मुख्य धारा में, क्यों, क्योंकि इनकी जो भूमिका या जो कार्य है वो सराहनीय है रूरल इंडियाज में। अब मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी। जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि सहकारी समितियां होती क्या है या व्हाट इज सहकारी समितियां, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि सहकारी समितियां कहते किसको हैं। तो थोड़ा सा आप लोग यहां पे क्लियर हो जाइएगा कि सहकारी समितियां कैसे किसको कहते हैं थोड़ा सा यहां पे। सोनम पाल क्या कह रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी कोई सुविधा अभी नहीं है। अरे आज ही तो लॉन्च की गई है, तो कैसे पहुंच जाएगी, ये कल रात में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे इस पे लॉन्च किया गया है, तो ये कहां से पहुंच जाएगी अभी। बट सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसी कोई सुविधा अभी नहीं है, ये ओनली गवर्नमेंट तक है, विलेज तक नहीं है। अरे तो अभी तो लॉन्च किया गया, कल ही लॉन्च किया गया और आज पहुंच जाए। हाँ सोनम, आज मतलब कल रात में लॉन्च किया गया और आज पहुंच जाए, इस तरह से तो देश हमारा जो है वो सबको पीछे छोड़ देगा।
ठीक है, कि कल ही लॉन्च किया जाए और आज पहुंच जाए। अच्छा, आपके गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं है, ठीक है। अगर सचिन नरेन साहब आपके गांव में अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो प्लीज आप एक काम कर सकते हैं। सर कितने टाइम होती है आपकी क्लास? ये मेरी फर्स्ट क्लास है। कैसी समझ में आई यासीन साहब? समझ में आ रही है आपको यासीन साहब? समझ में आ रही है क्लास? हाँ, सुपर पावर हो जाएगा यासीन साहब। समझ में आ रही है? कल से मॉर्निंग में 8 बजे होगी, प्लीज टाइम आप लोग लिख दिया करिए, 8 बजे है, 8 बजे कल से। थोड़ा सा यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, सोसाइटीज कहते किसको हैं? सोसाइटीज यहाँ पे सोनम पाल जी समझ लीजिएगा, सोसाइटीज जो कॉपरेटिव सोसाइटी होते हैं ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्वैच्छिक संगठन होते हैं। मेरी बात समझिएगा अरुण यादव साहब, समझ लीजिएगा, स्वैच्छिक संगठन है ये स्वैच्छिक संगठन होते हैं। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अरुण यादव साहब आपका गाँव है और आपके गांव में 3-4 लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, एक जो है संगठन बना दिया, और ये जो संगठन है ये संगठन किस बात इसका कुछ कार्य होगा, ये कार्य किस पे कर सकता है? मान लीजिए आपके गांव में दूध बहुत अच्छा होता हो। सर अभी तो भूत बहुत सी लॉन्च हुई हैं। सर हमारे इलाहाबाद में स्वरूप रानी हॉस्पिटल पहले से अब काफी चेंज है। हाँ चेंज है, चेंज है। थोड़ा सा प्लीज आप टॉपिक पे बने रहिए, डेविएट मत होइए, अगर टॉपिक से डेविएट होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉपरेटिव सोसाइटीज का मतलब होता है कि एक तरह का ये क्या है, 4-5 लोग मिलके एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन में बाइलॉज होता है, बाइलॉज का मतलब होता है कि कैसे वो संगठन कार्य करेगा। उस संगठन का कार्य होता है कि वो अपनी भूमिका तय करता है। जैसे वो भूमिका तय कर सकता है कि मान लीजिए आपके गाँव में अच्छी खेती है फूलों की, तो वो फूलों के विपणन पे, मतलब कैसे आपका फूल बिकेगा बिकेगा, और क्या है फूलों के साथ साथ कैसे जो है वहां पे आप शहद का भी काम कर सकते हैं, तो इन चीजों पे वो संगठन कार्य करता है। और ये संगठन कार्य कैसे करेगा कि ये जो 4-5 लोग मिल हैं, मिलके काम कर रहे हैं, ये सारे क्या करेंगे, एक पैसा का पूल बना देंगे। मान लीजिए इन्होंने 10,000 दे दिया, इन्होंने 10, इन्होंने 10, इन्होंने 10, तो इस तरह से 50,000 रुपए इस संगठन के पास हो गया। अब इस 50,000 रुपए से ये संगठन क्या है, काम करेगा, और धीरे धीरे लोग इस संगठन में क्या है, जुड़ते चले जाएंगे। तो इसको कहा जाता है सहकारी समिति। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, ये व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है, स्वैच्छिक है, जो अधिकतर कैसे हैं, श्रमिक हैं या तो छोटे उत्पादक होते हैं, और ये अपने घरेलू तथा व्यापारिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करते हैं और सब मिलकर यहाँ पे पूंजी इकट्ठा करते हैं, और कहीं ना कहीं भारत सरकार क्या करती है, इनको हेल्प भी करती है। भारत सरकार क्या करती है, इनको हेल्प करती है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है। अभी हम लोग देखिए क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे बड़ी बात जो पढ़ी यासीन साहब कि आयुष्मान सहकार योजना, वाई वी नीड इट, हमको इसकी जरूरत क्या है। फिर हम लोगों ने दूसरी बात जो पढ़ा कि सहकारी समितियों के माध्यम से आयुष्मान सहकारी योजना कार्य करेगी, आखिर सहकारी समितियों की जरूरत क्या है, क्यों सहकारी समितियों को पहली बार लाया गया। आज के भाई भारत के इतिहास में 100 सालों, अभी तक आजादी के 70 साल हमको बीत गए, क्यों नहीं लाया गया? तो इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि अब तक भारत सरकार चाह रही थी कि प्राइवेट लोग पहुंच जाए, चीजें हो जाए, लेकिन नहीं लोग पहुंच रहे थे, तो उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी को वहां पे लाया। अब थर्ड बात जो हम लोगों को करनी है वो करनी है कि पैसा कौन देगा, इस कार्य के लिए पैसा कौन देगा। पहले हम लोग कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या होगा, कार्य मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कार्य क्या करेगी आयुष्मान भारत सहकारी योजना के अंतर्गत। अब मैं जरा आपको कार्य की एक लिस्टिंग बना देता हूं कि सबसे बड़ा कार्य क्या करेगी। अब देखिए एजुकेशनल सिस्टम्स भी बना सकती है, एजुकेशनल सिस्टम, पहले भी वो एजुकेशन सिस्टम पे काम करती थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन अभी भ्रष्टाचार नहीं करना है हम लोगों को। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके एजुकेशन, अभी हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा, मतलब आयुष्मान सहकार योजना काम कैसे करेगी। तो जो एजुकेशनल हमारे सिस्टम्स हैं, पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एजुकेशनल सिस्टम चलाती थी, लेकिन अब जो है, जैसे अब क्या है, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल आप क्या है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, 10 लोग मिलके एक हॉस्पिटल चला सकते हैं। ये जो हॉस्पिटल्स हैं, इस हॉस्पिटल्स में पढ़ाने वाला भी कार्य चल सकता है, पढ़ाने वाला भी कार्य चल सकता है, नर्सिंग होम चलाया जा सकता है। सबसे बड़ी मेरी बात समझिएगा, नर्सिंग होम चलाया जा सकता है, फार्मेसी कॉलेज चलाया जा सकता है, फार्मेसी कॉलेज चलाया जा सकता है, फार्मेसी कॉलेज चलाया जा सकता है। उसके बाद कैसे हैं, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज के साथ साथ जो है वो क्या चलाया जा सकता है, टेस्टिंग, टेस्टिंग का जो है वो लैब चलाया जा सकता है। पता चला 4-5 लोग मिलके
कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के और टेस्टिंग लैब आप डाल सकते हैं। टेस्टिंग लैब के साथ साथ आप क्या है मोबाइल क्लिनिकल चीजें कर सकते हैं, ब्लड बैंक आप बना सकते हैं। ये सारी चीजें अब क्या है पहले नहीं होता था, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इन चीजों में भी अब क्या कर दिया गया, ये बता दिया गया कि आप ये काम कर सकते हैं। और ये एजुकेशनल सिस्टम भी आप लॉन्च कर सकते हैं, उसमें आप पढ़ाई का भी कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे आयुष हॉस्पिटल बन सकता है, आयुष के हॉस्पिटल्स आप क्या है बना सकते हैं, आयुष के आयुर्वेदिक के यूनानी के सिद्धा के होम्योपैथ के आप हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। आप डेंटल कॉलेजेस बना सकते हैं। आप नर्सिंग होम कॉलेजेस बना सकते हैं, आप फार्मेसी कॉलेज बना सकते हैं, ब्लड बैंक कर सकते हैं, मोबाइल क्लिनिकल कर सकते हैं, टेस्टिंग लैब, ये सारी चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत की जा सकती है। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा? तो इन्होंने एक नाम लिया एक उसका जो है जिसका नाम है NDMC, इसका फुल फॉर्म है NCDC, राष्ट्रीय कोऑपरेटिव विकास निगम। तो ये जो है ये पैसा आएगा, कार्य क्या है, ये कार्य ये करेगा, क्यों करेगा, ये मैंने क्लियर कर दिया, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एनसीडीसी पे, हम लोग देख लेते हैं कि एनसीडीसी है क्या, जरा देख लेते हैं एनसीडीसी है क्या, जरा देख लीजिए सारे लोग। नो अंडरस्टैंडिंग उमर शहीन साहब, क्या नहीं समझ में आया मुझसे पूछिए, उमर शहीन साहब लिख के पूछिए क्या नहीं समझ में आया भाई, उमर शहीन साहब क्या नहीं समझ में आया प्लीज मुझसे पूछिए, मैं अभी बताता हूं क्या नहीं समझ में आया। अभी थोड़ा सा हम लोग तब तक देख लेते हैं नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उमर शहीन साहब क्या नहीं समझ में आया, खुदा के लिए प्लीज लिख दीजिए, जो बातें नहीं समझ में आई हूं वो मैं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग मुझसे जुड़े हैं, ये इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक और सामरिक दोनों जिम्मेदारी है कि मैं आपका विकास कर सकूं। जो नहीं बात समझ में आ रही है प्लीज आप लिखिए मेरे लिए, आप लिखिए कि नहीं समझ में आया सर। देखिए हम लोगों ने बात क्या की, हम लोगों ने ये बात किया कि ये जो योजना है वो योजना की आवश्यकता क्या है, ये योजना में पहली बार कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाया गया, क्यों लाया गया, इस योजना में क्या क्या किया जाएगा, क्या कार्य किए जाएंगे ये, और अब पैसा कहां से आएगा, पैसा कौन देगा। तो पैसा देगा नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन ये पैसा देगा। अब ये कॉर्पोरेशन है क्या, ये चीजों पे हम लोग मैं आपको बता रहा हूं, ये 1963 में ये कॉर्पोरेशन बना हुआ था, ये जो एनसीडीसी पे मैंने बात की है, ये कॉर्पोरेशन कैसे बना, 1963 में बना, कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। सोनम पाल जी ये बात क्लियर है सर जी, थैंक यू जो है अरुण, ये बात खाली मैं सोनम पाल आप कहती हैं कि कोई भी चीज हो तो सर उसको थोड़ा सा वहां पे आप बता दीजिए, इंडिया ईयर बुक है, ये इंडिया ईयर बुक है, मैंने इसको भी शामिल आप लोगों के लिए कर लिया कि इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, ये उसके अंतर्गत ऑपरेट होता है, ये जो है फाइनेंस करता है रूरल इंडस्ट्रीज को, जो औद्योगिक क्षेत्र में, जो ग्रामीण में, जो गांव में औद्योगिक सहकारी क्षेत्र हैं, या गांव में जो लगाना चाहता है, क्या लगाना चाहता है, गांव में जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, छोटे तौर पे इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसको ये पैसा जो देता था वो कौन देता था, तो एनसीडीसी देती थी, नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन ये उसको पैसा देता था। तो अब ये पैसा किसको देगा, अब ये पैसा अगर भारत सरकार, अगर आयुष्मान भारत के तहत, आप समझिएगा मेरी बात, मान लीजिए हम सभी लोग जो जुड़े हैं, उमर शहीन साहब, यासीन शहीदी, सोनम पाल, ये सब लोग, जैसे हम लोगों ने क्या कर लिया, परवीन वीनू साहब, हम लोगों ने क्या कर लिया, एक मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य रखा कि हम लोगों को फार्मेसी कॉलेज खोलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बायलॉज बनाना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा उसका सब कुछ बना के हमको भारत सरकार के इस डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, नेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव को, और जब हम इसको दे देंगे तो वो क्या करेगा कि हमको फंडिंग करेगा, और इस फंडिंग के तहत क्या है, हम जो है फार्मेसी कॉलेज बना सकते हैं। तो ये हो गया संगठन। थोड़ा सा इस योजना के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं, इस योजना के बारे में जो है वो चीजों को मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा आप जरा ध्यान दे दीजिए। योजना को क्या है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया गया है, इसमें एनसीडीसी जो है वो कितना ऋण देगी, तो आप अगर देख सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए का क्या है एक पूल बना है,
और इस पूल को क्या करना है, भारत सरकार को खर्चा करना है। ये खर्चा भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कौन पैसा देगा, तो एनसीडीसी देगी, एनसीडीसी देगी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस पैसे को देगी। और ये किस क्षेत्र में देगी ये पैसा 1000 करोड़ रुपया, ये स्वास्थ्य, हेल्थ, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज में वो खर्चा करने के लिए भारत सरकार ने बनाया। और ये जो योजना है उसका नाम है आयुष्मान सहकार योजना। अब क्लियर हुआ उमर शहीन, समझ में आया बेटा? उमर शहीन खुदा के लिए आप लिख नहीं रहे हैं, अभी समझ में आया कि ये मामला क्या है? तो यहां पर भारत सरकार का ये है कि एनसीडीसी योजना के तहत वो सहकारी समितियों को ऋण देगी। सहकारी समिति मैंने क्लियर कर दी कि सहकारी समिति होती क्या है, सहकारी समिति कई प्रकार की होती है, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए क्लियर कर दी। यहां पर ये जो है ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, आज का यहीं पे रोकते हैं, आज की चीजों को हम लोग यहां पे रोक दे रहे हैं और थोड़ा सा जो है आज यहां पे रोकते हैं। क्लियर सर? हाँ क्लियर, यहां पे रोकते हैं। थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है, प्लीज आप इस इंफॉर्मेशन को ले लीजिए। कल से क्लास 8 बजे होगी, कल से क्लास मॉर्निंग में 8, जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं कल से क्लास मॉर्निंग में 8 बजे होगी, पहली बात एकदम क्लियर रहिएगा। दूसरी बात, प्लीज आप मुझे सजेस्ट करिए, आप सभी लोग मुझको सजेस्ट करिए कि जो सोसाइटी वाली क्लास है वो कितने बजे मैं लूं, कितने बजे टाइमिंग प्लीज आप मुझको लिख के भेजिए। मैं नहीं चाहता कि मैं अकेले से ही ये डिसाइड करूं, आप सभी लोग मुझको लिख के भेजिए। सचिन नरेन साहब, हिमांशु, पूनम देवी, अभिषेक तिवारी, प्लीज आप ये बात लिखिए मुझको ये क्लास खत्म होने के बाद। प्रियंका प्लीज उस पर लिखो कि क्लास खत्म होने के बाद कि भाई सोसाइटी वाली क्लास हम लोग कितने बजे लें, सोसाइटी वाली क्लास कितने बजे लें। पूजा इवनिंग 6 से 8। अरुण कुमार थैंक यू सो मच। अरुण कब लें क्लास बताओ तो। यासीन साहिद सब सर करंट अफेयर्स कितने टाइम की पढ़े, मैं आज से बस आपको फॉलो करूंगा, इसके अलावा और कुछ पढ़ना होगा? नहीं बस बहुत है सर, आपका टेलीग्राम पीडीएफ नहीं मिल रहा है, मैं माफी चाहूंगा। सचिन एकदम हाथ जोड़ के मैं। प्रियंका सर 8 बजे मेरी स्कूल की क्लास होती है, 8 बजे मॉर्निंग में। अब प्रियंका आप क्या करें, सोनम पाल 7 या 8। प्लीज आप अभी जब क्लास ये खत्म हो जाए कमेंट बॉक्स में जाके आप प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि सोसाइटी की क्लास करनी है। और सोसाइटी की क्लास मैं बता देता हूं आपको कैसे करनी है, सोसाइटी की जो पूरी की पूरी क्लास होगी वो कैसे होगी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है क्षेत्रवाद, तो क्षेत्रवाद पे जितनी बातें हैं क्षेत्रवाद पे वो सारा हम लोग डायमेंशन कवर करेंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से हम उसको 2-3 क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो पूरा क्षेत्रवाद कवर करेंगे और सबसे बड़ी बात, हर बात पे हम लोग केस स्टडी करेंगे, केस स्टडी, जैसे क्षेत्रवाद के केस स्टडीज हैं। 5 o'clock राइट टाइम। तो एक काम करता हूं, देखिए 2 घंटा में क्लास लूंगा, 2 आवर्स में क्लास लूंगा इस पे। तो एक सवेरे तो मैं मॉर्निंग में 8 पे होगा मेरा करंट अफेयर्स ये पीआईबी, और एक टाइमिंग में सोच रहा हूं कि मैं रख लेता हूं ऐप पे मॉर्निंग में 10 बजे और इवनिंग में 4 बजे। अगर आप लोग प्लीज सहमत हैं तो बताइएगा। चुप रहो सभी, मैं भी हूं। प्रियंका ठीक है तुम हो, बताना जरूर से कि कब करना है। विक्रांत राठौर साहब 9 बजे से या 10 बजे से। हाँ विक्रांत राठौर सही कह रहे हो, 9 बजे से या 10 बजे से। तो प्लीज आप लोग मुझको एक फीडबैक दीजिए। मॉर्निंग में 6 o'clock जियो रहता है सर, उसके बाद सोनम पाल इवनिंग में 9 बजे, आई थिंक इस टाइम सब फ्री होंगे। ठीक है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके डन सर, मैं सहमत हूँ। सभी लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से इस बात को लिखें, सोसाइटी की हम लोग दो घंटे क्लास करेंगे, तो 1 घंटे 1 1 घंटे। और याद रखिएगा, जिसको पहली क्लास अगर आपने नहीं की, सेकंड क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी का नुकसान थोड़ी करवाना है। अंकित त्रिपाठी 9 के बाद सर बेस्ट। प्लीज आप जाके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, रात में नहीं चलता मेरा, तो प्लीज आप थोड़ा सा मुझे जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मेरा जो मुझे जो लग रहा है, एक टाइमिंग में मॉर्निंग में जैसे 8 से 9 तो मैं ये क्लास ले, 8 से 9 ये क्लासेस हो जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ एक मॉर्निंग में 10 से 11 ले लूं और एक रात में 9 से 10 ले लूं। अगर आप लोग सहमत हो इस बात पे तो प्लीज आप करिएगा, प्लीज आप इस पे मुझे लिखिएगा। आज के लिए प्लीज थैंक यू। और देखिए सबसे बड़ी बात एक समझिएगा कि जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अगर आप अपना दायित्व तो समझ सकते हैं, ये कहना खराब लगता है मुझे एज ए टीचर कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, न मेरा नेचर है ये सब चीज़ों को कहने का। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें अगर बेनिफिशियल हैं, ये फ्लैट देखिए, फ्लैट एक एक पढ़ाई होती है फ्लैट की, मैं आया और जो लिखा हुआ है वो मैंने आपके लिए पढ़ दिया, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोग पूरी चीज़ों पर डिस्कशन क्लास करते हैं। तो अगर आपको लगता हो कि ये चीज़ें ठीक हैं और लोगों तक पहुँचनी चाहिए,
तो प्लीज आप उसको जो है थोड़ा सा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को कह सकते हैं। इतना ही बहुत है मेरे लिए, धन्यवाद। आप सभी लोगों को शब्बा खैर है मेरा, जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को शब्बा खैर है मेरा। श्रीकेश क्या है सर, सोनम पाल 10 to 11? नहीं सर प्लीज, 10 to 11 मॉर्निंग में नहीं। अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। प्लीज आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए अभी क्लास खत्म होने के बाद। सारे लोग ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं टाइम डिसाइड कर लूंगा, फिर उस टाइम को चेंज अनअकैडमी पे आप नहीं कर सकते हैं, कि टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप प्लीज मुझको लिख लीजिएगा, ताकि उसी हिसाब से मैं अपना प्रोग्राम करूं। आज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू फॉर ऑल, धन्यवाद, बाय बाय, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।